जी तो अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे लोगों का मुझसे सवाल था कि आप ये बताएं कि बैकग्राउंड रिमूवर के लिए हमें कौन सी ऐप यूज़ करनी पड़ेगी मोबाइल के अंदर, जो सबसे ज़्यादा अच्छी हो और आसानी से इस्तेमाल हो सके। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बैकग्राउंड रिमूवर बहुत ही अच्छी ऐप है, बहुत सिंपल ऐप है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऐप है। आप उसे बहुत अच्छी तरह बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, बहुत प्रोफेशनल तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इस मतलब है, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चले जाना अपने प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने वहाँ पर जो बैग ऐप सर्च करनी है उसका नाम है बैकग्राउंड रेजर। ठीक है, ये मेरी ऐप है, वो मैं आपको बाहर निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये वाली ऐप है, बिल्कुल सिंपल सी ऐप है, आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको ऐसे डाउन शेयर वगैरह, अच्छा ये आपके पास सिंपल सा इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपने सिंपल लोड अ फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने चले जाना है आपके जिसके अंदर भी आपकी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, आपने उसके अंदर चले जाना है। मैं यहाँ से जाता हूँ स्क्रीन शॉट्स के अंदर। ठीक है, स्क्रीन शॉट के अंदर जाने के बाद मैं एक पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो वो अर्तुगल की पिक्चर है, अर्तुगल गाजी की, वो मुझे जैसे ही मिलती ये वाली, तो मैं इसका बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से पहले तो आपको क्रॉप का ऑप्शन देगा, आप यहाँ से पिक्चर क्रॉप भी कर सकते हैं, जितनी आपको चाहिए आप अपनी पिक्चर यहाँ से ले लें। उसके बाद आप इसको जो है ना वो यहाँ से मुझे इतनी पिक्चर चाहिए, मैं यहाँ से इसको डन करूँगा। डन करने के बाद मैं यहाँ से आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शन हैं, नीचे आप देखें एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, उसके बाद ऑटो का है, मैजिक का है, मैनुअल का है, रिपेयर का है और जूम का है। ठीक है, आपने यहाँ पे अगर मैजिक पे जाएंगे तो मैजिक में जाने के बाद आप यहाँ पे करेंगे तो वो सारा ऑटोमेटिकली जो है ना वो रिमूव करी जाएगा आपका पार्ट। ठीक है, तो अगर आप जाएंगे ऑटो पे जाके आपने जो है वो, सॉरी मैं यहाँ से रिपेयर कर देता हूँ, मैंने ऑटो सेलेक्ट नहीं हुआ मुझसे। ठीक है, यहाँ पर आपने ऑटो पर चले जाना है। ऑटो पर जाने के बाद आपने जहाँ पर क्लिक करना है तो आपका ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होगा तो ऑटो के साथ जल्दी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। ठीक है, अब मैं मैनुअल में जाता हूँ और जो कमियाँ कोताहियाँ रह गई हैं वो मैं मैनुअल के साथ यहाँ पर रिमूव कर लूँगा। तो ये देखें, एक बहुत ही सिंपल तरीके से मेरी प्रोफेशनल जो है ना वो एक रिमूव कर लिया। अब यहाँ से मैं डन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखें, ये आपको ये साइडों पे जो जो वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं वो यहाँ से आप इसकी यहाँ से 2 पे क्लिक करेंगे और कम हो जाएंगे, 3 पे क्लिक करेंगे और 4 पे, 5 पे स्मूथनेस और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखें, एक बड़ी ही अच्छी जो है ना वो मैंने यहाँ से कर ली है। मैं यहाँ से ये देखें, ये वाला मैं रिमूव करना भूल गया, अब मैं मैनुअल पर जाके इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से डन करता हूँ जी। तो ये हमारी जो है ना बेहतरीन ऐप एक बंच रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ से मैं सेव पे क्लिक करूँगा और ये मेरी पिक्चर जो है ये फिनिश और ये सेव हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब बैकग्राउंड रेजर ऐप का नाम है, आपने सिंपली गूगल पे जाके बैकग्राउंड रेजर सेलेक्ट करना है, सर्च करना है और ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ख्याल का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।